Welcome. I am Dr. T. Rajdev Patro. On behalf of Center of Diabetes and Allied Sciences, I am proud to say that this is one of the one of its own kind in North India to come up for diabetic patients. And I would like to talk to you about diabetes on World Diabetes Day. Let me tell you that diabetes today is getting worse day by day in numbers. So it is achieving an epidemic form into this country, where more than 72 million people are suffering from diabetes, which is more than 72 million. Just remember, more than 72 million population of this country is suffering from diabetes. And the worrisome thing is that complications which are coming out of diabetes is very, very alarming. So, दोस्तों, आपसे बस ये निवेदन है कि आप डायबिटीज को हल्के ना लें. ये डायबिटीज की बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल रही है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता. 2019 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने एक थीम निकाला, प्रोटेक्ट योर फैमिली, अपनी फैमिली को बचाओ. ये आवाज उन्होंने 2019 को उठाया, इसीलिए उठाया कि आपको अब समय आ गया है कि डायबिटीज के बारे में जागरूक होना. सो मेरा जो आपसे ये कहना है कि 50% डायबिटिक पेशेंट आज चांसेस हैं कि वो रिवर्स हो सकते हैं, आप नॉर्मल हो सकते हो. सबसे पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए डायबिटीज है क्या. आपको डरना चाहिए इससे, बिल्कुल नहीं. देखिए, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. ये आपकी जो अंदर की तंत्रियां हैं, जो फिजियोलॉजी हम जिसे कहते हैं, आपकी फैट, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी प्रोटीन, उनकी एक मेटाबॉलिज्म होती है. उस मेटाबॉलिज्म आउटकम अगर गलत हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है. अब वो कैसे होता है, वो आपकी खान पीन, आपकी रहन सहन, आपकी तनाव, आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हो, उसके ऊपर आपकी ये बीमारी का संक्रामक होने की चांसेस होता है. अब मैं आपको बताऊं क्या है डायबिटीज है क्या. डायबिटीज को आपके तरीके से मैं समझाना चाहूंगा. आप जितना खाते हो, अगर उतना आप पचा नहीं पाओगे, तो वो जितनी सारी एनर्जी आपके बॉडी में जा चुका है, वो या तो वसा, कोलेस्ट्रॉल, फैट जिसे कहते हैं, उस तरीके से आपके लीवर में जाके बस जाएगा. जो बची पुची है वो आपके पेट में जाके जमा हो जाएगी, पेट की साइज बढ़ेगा. इस तरीके से जब वो फैट बढ़ेगी अंदर, तो शुगर बनने की तादाद और बढ़ जाता है. और धीरे धीरे जब आप वर्जिश नहीं करते हो और खान पीन पर ध्यान नहीं रखते हो, मैदे की चीज़ें बहुत खाते हो, शक्कर युक्त चीज़ें बहुत खाना, या फास्ट फूड खाते हो, बर्गर, पिज्ज़ा, जिसे मैदे में बहुत बना हो, या कोई ऐसा पदार्थ है जो आप स्टोर करके रखते हो, जिसे बहुत स्टोर्ड फूड कहते हैं, कैंड फूड कहते हैं, कोक, पेप्सी, इस टाइप के जो फास्ट फूड होते हैं, बेवरेजेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, ऐसे हाई शुगर की चीज़ें अधिक मात्रा में खाते हैं और वो कैलोरीज आपके बॉडी में चली जाती है, आप उसको जलाते नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऊपर से सोना ठीक से नहीं हो पाता, नींद नहीं आती है, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज़ की ओर ले जाएगी. देखिए, डायबिटीज़ जो होती है वो मोटा मोटी चार तरीके के होते हैं. जो ज़्यादातर पाया जाता है उसके बारे में बोलना चाहूँगा. टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो बच्चों में पाया जाता है. 25 साल के कम उम्र वाले के लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ मिलती है. व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़? टाइप 1 डायबिटीज़ इज नथिंग बट द डैमेज टू द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियस, ईदर बाय ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और बाय सम इन्फेक्शन व्हिच यू हैव गॉट ड्यूरिंग बर्थ और व्हेन योर मदर वाज डायबिटीज व्हेन यू आर बॉर्न, एंड इफ इट इज नॉट बीन टेकन केयर यू कैन एंड अप विद डायबिटीज. सो इसका मतलब क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ है जो आपके अंदर पैंक्रियस की जो ग्लैंड है उसके अंदर बीटा सेल्स हैं, वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है. अगर वो सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाए किसी इन्फेक्शन के कारण, या मादा जब बच्चा पेट में होता है उस दौरान उनकी शुगर की अच्छी कंट्रोल ना हुआ हो, या थायराइड की बीमारी हो, या कोई ऐसी बीमारी जिससे एंटीबॉडीज पैदा हो सकता है, उससे इंसुलिन बनने की शक्ति कम हो जाता है, फिर इंसुलिन ना मिलने के कारण जो डायबिटीज बनता है उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं. अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं. टाइप 2 डायबिटीज है क्या? टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत होता है बॉडी के अंदर, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं करता, आपकी शुगर डाउन नहीं कर पाती. और उसके बहुत सारे कारण हैं. उसके कारण बहुत हैं, जैसे आप के मसल फाइबर हो गया, आपके टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट होगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, मतलब इंसुलिन को बॉडी सेंसिटाइज नहीं कर रही है, तो शुगर बढ़ेगा.
वो टाइप टू है. तो इनमें फर्क क्या है टाइप वन और टाइप टू में? टाइप वन में इंसुलिन नहीं बनता और टाइप टू में इंसुलिन बनती है. टाइप टू में गोलियों से हम इलाज कर सकते हैं, टाइप वन में फिलहाल सिर्फ इंसुलिन के अलावा और कुछ नहीं है. अब आते हैं टाइप थ्री. जब गर्भवती महिला होती है उनमें अगर शुगर की तादाद बढ़ने में बढ़ता है और उनकी वजन बढ़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई डायबिटीज हो जाए तो हम उनको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं या टाइप थ्री डायबिटीज कहते हैं. चौथा फॉर्म ऑफ डायबिटीज है जो दवाइयों के कारण हो जाए, या कोई बड़ी एक्सीडेंट हो गया, या कोई चीज से आपकी पैंक्रियास डैमेज हो गई हो किसी भी कारण से, उसको टाइप फोर कहते हैं. अब मोटा मोटी क्या है? मोटा मोटी ये है कि टाइप टू डायबिटीज बड़े मात्रा में मिल रहे हैं पूरे संसार में, और टाइप टू डायबिटीज सारे एडल्ट्स में जो 25 साल के ऊपर है उनमें ज्यादातर मिलती है. ऐसे नहीं कि बच्चों में नहीं मिलता, बट रेयर है. अब ये हो गया टाइप्स ऑफ डायबिटीज. अब आते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में ये आएगा कि क्या कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल आदमी में शुगर कितनी होनी चाहिए. देखिए, उम्र के हिसाब से हम शुगर लेवल सेट करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए जरूर है कि 80 से 100 के बीच में आप अगर फास्टिंग रखते हो तो अच्छी बात है, और किसी भी वक्त आप अगर शुगर चेक करते हो रैंडम आपकी 90 से 120 तक आए, 124 तक आए, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब कभी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि 80 से 110 के बीच में आपका फास्टिंग रहे और खाना खाने के बाद वाला 140 160 पार ना करें. अगर हम ये करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है.